आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। इसके लिए यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है, इसे मैंने धो लिया था। इसे अब रोस्ट करना है। इसके लिए गैस के ऊपर एक जाली रखेंगे और उसमें इस टमाटर को रख देंगे। टमाटर को लो फ्लेम में अच्छी तरह से चारों ओर रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि टमाटर ना जले, इसके लिए हमें गैस का फ्लेम लो में ही रखना है। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ 2 लहसुन ले रही हूँ और इसे भी रोस्ट कर लेना है। टमाटर और लहसुन अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख के ठंडा कर लेंगे। यहाँ टमाटर ठंडा हो चुका है तो अब इस टमाटर को छील लेंगे। यहाँ मैंने दोनों टमाटर को छील लिया है। इसी तरह से अब लहसुन की कली के छिलके को भी छील लेंगे। इसके बाद अब मैं यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, फिर इसमें बारीक कटा हुआ 1 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, 1 चम्मच सरसों का तेल और नमक स्वाद अनुसार। इसे डाल के इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। ये देखिए टमाटर का चटनी अच्छी तरह से पिस चुका है। और इस तरह से हमारा टमाटर का चटनी बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। थैंक यू।